तो यार पिछली वीडियो में हमने बात की थी चॉकरॉक की स्पीसीज और उसके प्लेनेट के बारे में, और आज हम बात करेंगे चॉकरॉक के बारे में। चॉकरॉक से रिलेटेड हर वो बात जो चॉकरॉक के फैंस को पता होनी चाहिए कि आखिरकार कैसे चॉकरॉक ओमनीट्रिक्स में आया और क्यों बैन चॉकरॉक में ट्रांसफॉर्म ना हो इसलिए विलगैक्स को अर्थ पर आना पड़ा, ये सब जानेंगे आज हम इस वीडियो में और जानेंगे चॉकरॉक की कंप्लीट ओरिजिन। तो बस अब थोड़ी देर तक वीडियो में बने रहना और वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मे भी हो सकता है ये चॉकरॉक पे आखिरी वीडियो हो। तो यार देखो जो चॉकरॉक है वो हमें पहली बार बेंटन रिबूट में देखने को मिला था, वो भी ओमनीट्रिक्स में साइड इफेक्ट होने के कारण, जब अपग्रेड ने विलगैक्स से लड़ते वक्त अपने आप को सेक्रीफाई किया था तो तब बाय द मिस्टेक उसी समय ग्लिच का भी जन्म हो जाता है ओमनीट्रिक्स के अंदर, और तभी जो अपग्रेड का डीएनए पोर्ट था वो फुलमना एलियन स्पीसीज के डीएनए पोर्ट से चेंज हो जाता है, जिसका इफेक्ट ये पड़ता है कि जहाँ पर अपग्रेड का डीएनए पोर्ट था अब वहाँ पर एक फुलमना एलियन स्पीसीज का डीएनए होता है। और ये हमें बेंटन रिबूट के पहले सीजन के आखिरी एपिसोड के आखिरी सीन में देखने को मिल गया था, और उस एपिसोड का नाम था ओमनीट्रिक्स पार्ट 4, जिसके लास्ट सीन में हमें पहली बार चॉकरॉक के होलोग्राम से इंट्रोड्यूस कराया गया था। और इसके बाद जब बेंटन रिबूट का अगला सीजन आता है सीजन 2, तब हमें उसके 9वें एपिसोड में पहली बार चॉकरॉक देखने को मिलता है। पर तब चॉकरॉक के साथ एक दिक्कत ये आ जाती है कि जब बेन चॉकरॉक में ट्रांसफॉर्म होता था तो जो ओमनीट्रिक्स का फुलमस डीएनए पोर्ट था वो अर्थ से सिग्नल फुलमस पर भेजता था, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो चॉकरॉक की स्पीसीज थी फुलमना है वो अर्थ की ओर आने लग जाती है, और मे भी हो सकता था कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय भी कर दे, और ये बात विलगैक्स को पता चल जाती है, और उस समय विलगैक्स अर्थ पर ही होता है, और इसलिए विलगैक्स बेन को चॉकरॉक में ट्रांसफॉर्म ना होने की हिदायत भी देता है। और इसके पीछे विलगैक्स का खुद का भी बेनिफिट छुपा हुआ था, क्योंकि अगर फुलमस से फुलमनाए अर्थ पर आ जाते तो वो मे भी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देते, और उस समय विलगैक्स भी अर्थ पे था तो उसे भी डिस्ट्रॉय होने का खतरा था, और साथ ही ओमनीट्रिक्स की पूरी पावर भी विलगैक्स से छीन सकती थी, और इसीलिए विलगैक्स बेन की तब मदद करता है। चॉकरॉक के डीएनए पोर्ट को ठीक करने में, और इसके लिए विलगैक्स और बेन ओमनीट्रिक्स के अंदर भी जाते हैं जहां वो पहली बार ग्लिच से भी मिलते हैं, और तब ग्लिच बेन और विलगैक्स मिलकर हाई ओवरराइड से भी लड़ते हैं, और इन सब के बाद वो ओमनीट्रिक्स को रिबूट करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद ओमनीट्रिक्स में बना हुआ पोर्टल बंद हो जाता है और ओमनीट्रिक्स का इनहेंस फॉर्म भी फिक्स हो जाता है, जिसके बाद अब बेन चॉकरॉक का यूज बिना किसी परेशानी के कर सकता था। और ठीक इसके बाद चॉकरॉक हमें बेंटन रिबूट में कई बार, एक दो बार, तीन बार नहीं बल्कि कई बार और बहुत बार देखने को मिलता है, और इसके बाद तो चॉकरॉक बेंटन के मोस्ट फेवरेट एलियन में से भी एक बन जाता है, और साथ ही साथ चॉकरॉक हमें बेंटन के गेम में भी देखने को मिल चुका है, और चॉकरॉक का ओमनी किक फॉर्म और ओमनी नेट फॉर्म दोनों हमें देखने को मिल चुके हैं। इसके अलावा जब बेंटन रिबूट की मूवी आई थी बेंटन वर्सेस द यूनिवर्स, हमें वहां पर भी चॉकरॉक देखने को मिला था, जहां पर अकेले चॉकरॉक ने अपनी पूरी पावर से इनकर्जन की पूरी शिप को जो डिस्चार्ज हो चुकी थी उसे फुल चार्ज कर दिया था, जिसके बाद इनकर्जन्स मरते मरते बचे थे। और इसके अलावा जब ओमनीट्रिक्स में गड़बड़ी हुई थी तो वो चॉकरॉक का डीएनए था जो सभी एलियन से जुड़ गया था, जिसके बाद सभी एलियन के पास ओमनी इनहांस फॉर्म आ गया था, फिर चाहे वो एक्सेलरेट हो या डायमंड हेड या फिर फोरांस, बेंटन के सभी एलियन के पास उनका इनहांस फॉर्म आ गया था, जिसके बाद वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो गए थे। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि चॉकरॉक को बेंटन रिबूट के कई फैन सीजन 2 का एलियन मानते हैं, पर चॉकरॉक हमें बेंटन रिबूट के सीजन 1 में देखने को मिल गया था सीजन 1 के आखिरी एपिसोड के आखिरी सीन में, जिस एपिसोड का नाम था ओमनीट्रिक्स पार्ट 4। वहीं के आखिरी सीन में हमें पहली बार चॉकरॉक का होलोग्राम देखने को मिल गया था, और जो चॉकरॉक ओमनीट्रिक्स से अनलॉक हुआ था वो चॉकरॉक अपग्रेड के कारण अनलॉक हुआ था, क्योंकि जब अपग्रेड ने अपने आप को सेक्रीफाई किया था तब जो अपग्रेड का डीएनए पोर्ट था वो चॉकरॉक के डीएनए पोर्ट से बदल गया था, जिसके बाद हमें चॉकरॉक पहली बार ओमनीट्रिक्स में देखने को मिला था। और इसके अलावा वो चॉकरॉक ही था जिसकी पावर से ओमनीट्रिक्स को एक नई पावर मिली थी, जिसे ओमनी इनहांस फॉर्म भी कहते हैं, जिसके बाद बैन के सभी एलियन पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो गए थे, और ऐसा हमने रेयर ही देखा है। तो कहीं ना कहीं चॉकरॉक बहुत ज्यादा यूनिक है, जिसने बेंटन और विलगैक्स की फ्रेंडशिप चकरा दी, और ये बेंटन का इकलौता ऐसा इलेक्ट्रिक एलियन है जिसके पास इसकी इलेक्ट्रिक पावर एज अ प्लाज्मा के रूप में है, जिसकी शेप को चॉकरॉक चाहे
तो कभी भी किसी भी रूप में चेंज कर सकता है, पर वो अपनी शेप को एक लिमिट तक ही चेंज कर सकता है। तो ये थी शॉकरॉक की कंप्लीट स्टोरी, जिसे मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अपने शॉकरॉक पावर का यूज करना और शॉकरॉक तरीके से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर कोई डाउट आपके मन में हो शॉकरॉक से रिलेटेड या कुछ भी, तो नीचे कमेंट करना, मैं उसे जरूर क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक कुछ नया करते रहो।